intermittent fasting for hypothyroidism. I've created this video to explain the correct steps के hypothyroidism और intermittent fasting को दोनों को कैसे लेके चला जा सकता है, क्योंकि normal cases में अगर आपको hypothyroidism detect हुआ हुआ है या आप medication खा रहे हैं या आपके thyroid के symptoms हैं, तो you should not attempt intermittent fasting. Why? For the simple reason कि आपका hypothyroidism में जो दोनों glands हैं, जिसमें thyroid और दूसरे number पे adrenal gland है, ये already fatigued होते हैं, तो आपकी energy already आप suffer करें अपनी energy के साथ, तो जब आप fasting करते हैं, तो it puts more strain on your thyroid and your adrenal glands, which makes it even worse for you. So it is not recommended. But with the tips that I'm about to give you, you will make fasting a success, right? But before we do that, I want to firstly thank you for the watching my videos. Aap log meri videos watch karte rahe, comment karte rahe. Please continue to do so. And also please do like my channel, subscribe it and press the bell icon button taaki main aapko zyada se zyada information de sakun. Aur apne comments mein jo aapko aur videos chahiye hoti hain, wo zarur bataye taaki main aapke maslon ko resolve kar sakun. So getting to the point. So the four tips that I'm about to share with you, usse pehle hame ye karna hai ke get tested. ये बात नोट कर लें कि 70-80% यानी कि मेजॉरिटी हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस ऑटोइम्यून से रिलेट करते हैं, यानी कि ऑटोइम्यूनिटी आपके थायराइड को अफेक्ट कर रही है, विच सिंपली मींस कि इसकी ट्रीटमेंट फर्क होएगी. तो अगर आप थायरोक्सिन खा रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं और आपके सिम्टम्स मौजूद हैं, या आपको कोई आपके डॉक्टर ने विटामिंस दे दी, या सिर्फ आपके सिम्टम्स भी मौजूद हैं, तो अगर आप उस केस में विदाउट गेटिंग टेस्टेड अगर आप अपने ट्रीटमेंट का सोच रहे हैं थायराइड का, वो काम नहीं करेगी, बिकॉज ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल फर्क होता है. मैंने इसके लिए अपने चैनल के ऊपर वीडियोस लगाई हुई हैं, सो यू नीड टू गेट एजुकेटेड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट्स यू नीड, सो यू नीड टू चेक आउट दोज वीडियोज. ओके, लेट्स जंप टू द पॉइंट्स. पहली चीज, नंबर वन, आपने 12 आवर फास्टिंग करनी है. 14, 16 या 1 meal a day वाला कोई सिस्टम नहीं करना आपने, फॉर द सिंपल रीजन दैट यू नीड टू डू इट स्लोली. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन, वो समझते हैं कि जितनी फास्टिंग विंडो लंबी होगी उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा, एंड दैट्स नॉट द केस. सो इन योर केस आई एम रिकमेंडिंग अ 12 आवर फास्ट, यानी कि 12 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो होगी और 12 घंटे की आपकी फास्टिंग विंडो होगी, और ये ओवरनाइट फास्ट है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे फास्ट नहीं है, रात का फास्ट है. अच्छा, उसके बाद नंबर टू, आपकी फास्टिंग विंडो में जो आपने एक सप्लीमेंट लेना है, हम उसको कहते हैं मिल्क थिसल. नाउ मिल्क थिसल व्हाई? बिकॉज हम आपके लिवर को उसकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. अंडरस्टैंड के जो T3 जो थायराइड का मेन एक्टिव हार्मोन है, उसकी कन्वर्जन लिवर में होती है, तो हम मिल्क थिसल से आपके लिवर को फर्दर बूस्ट करेंगे ताकि T4 से T3 में कन्वर्जन और बेहतर तरीके से हो सके. नंबर थ्री, आपने जो पहला मील लेना है अपना, जो डे का जो मील नंबर वन होएगा, उसमें आप ये विटामिन्स ऐड किया रहेंगे. कौन कौन सी हैं? जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, सिलेनियम और विटामिन डी. और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैंने उसकी डिटेल भी डाल दी है कि व्हाट काइंड्स ऑफ विटामिन्स एंड वेयर यू कैन परचेज देम. उसके बाद नंबर फोर, फास्टिंग विंडो का मतलब ये नहीं कि कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं पीना. इट जस्ट मीन्स कि वो खाने अवॉइड करने जिससे आपकी इंसुलिन और ब्लड शुगर स्पाइक कर सकती है. तो व्हाट आर द सेफ फूड्स? एक तो ये कि आपके पास नींबू पानी और नमक, और ये पिंक सॉल्ट आ रहा है, सो आपने अपनी सोडियम लेवल्स को मेंटेन रखना है. उसके साथ आप जो बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसमें आपकी फास्टिंग विंडो में, वो वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, या आप सैलड ले सकते हैं सिंपल, और उसके अंदर आप 1 से 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दें. यू विल बी एब्सोल्युटली सेफ एंड यू विल बी एक्चुअली हेल्पिंग प्रमोट योर थायराइड फंक्शन रादर देन गोइंग इन द अदर डायरेक्शन. एंड लास्टली कार्ब साइक्लिंग. कार्ब साइक्लिंग में आप क्या करेंगे कि इसका सिंपल मतलब यह है कि आप ये जो फास्टिंग प्रोटोकॉल है ये हफ्ते में 3 से 4 दिन करेंगे, बाकी जो दिन हैं उसमें आप रेगुलर अपने 3 मील्स खाएंगे और 1-2 स्नैक्स बीच में लेंगे. अगेन, जिसकी वीडियोस मैंने काफ़ी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं. तो इसका मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक दिन फास्टिंग का किया 12 घंटे, अगले दिन आपने फास्टिंग नहीं की, सो इस तरह आप ऑल्टरनेट कर रहे हैं. उससे क्या हो रहा है कि आपका थायराइड और आपके मेटाबोलिज्म को
साथ साथ एक ब्रेक भी मिल रही है एंड यू स्टिल वेरी ग्रेजुअली अलाउिंग योर बॉडी एंड योर मेटाबॉलिज्म टू गेट यूज टू अ फास्टिंग प्रोटोकॉल. सो देयर यू गो, यू हैव दिस प्लान एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि आप देख रहे हैं कि ये वाली प्रोटोकॉल थोड़ी सी फर्क है जो स्टैंडर्ड तरीकेकार होता है. सो इसको आप प्रैक्टिस में लेके आएँ और इसके साथ साथ जो जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप कॉमेंट्स में मेरे से पूछें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ. बट बी श्योर कि इफ़ यू डू थिंग्स द राइट वे, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म भी है ये उसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी काम आएंगी ये गाइडलाइंस, और आप फास्टिंग भी सक्सेसफुली कर सकेंगे.